अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका ज़हूर आपके हुजूर हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। और आज हम आए हुए हैं दानिश भाई के यहाँ। हालांकि हम दानिश भाई का शौक आपको सर्दियों का करा चुके हैं और माशाल्लाह सर्दियों में दानिश भाई का तकरीबन 300 हैदराबादी कबूतर पूर्वा पछवा दोनों तरफ जो है झंडे गाड़ देते कबूतर ने, और वीडियो आपने देखी होगी माशाल्लाह, और आपके कमेंट भी आए थे। बिल्कुल उसी तरह से अब दानिश भाई ने मई जून की गर्मी में कबूतर चालू कर रखा है और दिल्ली शहर में एक हल्ला मचा हुआ है उन कबूतरों का। तकरीबन 265 हैदराबादी कबूतर, बहुत शानदार कबूतर उड़ रहा है, लाजवाब कबूतर उड़ रहा है। वीडियो हमने आप बनाई है, आप वीडियो देखिएगा और वीडियो आपको अच्छे लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं हम दानिश भाई से। ये हैं दानिश भाई, हाजी दानिश इलाही, और साथ में हैं इनके छोटे भाई चीम भाई, और साथ में साविर भाई हैं, और ये बाख्तियार खलीफा उस्ताद इरफान मीर तालीम से ऐज़ भाई, साथ में हमारे फैसल भाई। और आइए हम आपसे सबसे पहले तो कबूतरबाजी एक जुनून की तरफ से सबकी खिदमत में सलाम है, अस्सलाम वालेकुम। तो आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए हम डिटेल में तो आपकी बात करा चुके हैं सर्दियों के शौक़ में, बाकी अभी हम तो गर्मियों के शौक़ के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहेंगे दानिश भाई से। तो सबसे पहले तो मुबारकबाद है कबूतरबाजी एक जुनून की तरफ से दानिश भाई को भी, चीम भाई को, और ऐज़ भाई को, और साविर भाई को, और जितने भी इनके साथ मेहनत कर रहे हैं सबको, पूरी तालीम को उस्ताद के। माशाल्लाह बहुत शानदार कबूतर उड़ रहा है, हमने भी देखा और बाकी जितने भी सैलानी आए थे सब ने देखा, बड़ी तारीफ़ें करी हैं, और वाकई कबूतर भी और उड़ाने वाले भी दोनों तारीफ़ के हकदार हैं माशाल्लाह। तो दानिश भाई से बात करते हैं। दानिश भाई, ये आपको गर्मियों में कबूतर दौड़ाने का जो ख़्याल है ये कैसे आया आपको? बस ये है कि शौक़ है और उस काम धंधे बंद पड़े हुए हैं लॉकडाउन है, तो इसलिए सोचा कि चलिए। अच्छा माशाल्लाह, टाइम पास कर लेंगे। और बहुत शानदार टाइम आपका पास हो रहा है, और जैसा कि गम का माहौल है हमारे नवेद भाई ने बताया, उसमें आप जो है कबूतर का शौक़ दिखा रहे हैं और लोग आकर लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ रही है, ये बहुत बड़ी बात है। और मेरे जहाँ तक मैं जानता हूँ अभी तक दिल्ली शहर के अंदर मई जून में गर्मियों में दौड़ाने का सबसे बड़ा रिकॉर्ड भी अब आप ही के नाम है, 265 कबूतर एक साथ दौड़ाने का गर्मियों के अंदर अभी तक का रिकॉर्ड जो है वो अब दानिश भाई के नाम है। तो ये सबसे ज़्यादा कबूतर उड़ाने का ये ख्याल भी कुछ आपके मन में था या प्लान था या कुछ ऐसे ही? नहीं, रिकॉर्ड की बात तो ऐसी है कि भाई कबूतर जो है कबूतर तो ज़्यादा चालू करते, लेकिन बीमारी ऐसी आई कि जिसकी वजह से कबूतर कम निकाले, वरना कबूतर 400 ज़्यादा था, 400 कबूतर चालू करने का। अच्छा माशाल्लाह, मई जून में 400 कबूतर जोड़ाने का, और इसमें 100 कबूतर बिल्कुल एकदम पूरे कबूतर चालू कर रहे हैं। अच्छा, जो किसी से लड़े हुए भी नहीं थे। अच्छा, उसमें से कुछ कम भी हुए हैं या पूरे? उसमें से कुछ 5-7 कबूतर कम हो गए और 2-4 कबूतर हाथ मारने में, 8-10 कबूतर कम हो गए बहरहाल। अच्छा, वो कोई बात नहीं, शौक में चलता है, कमती बढ़ती। तो कितने दिन हो गए कबूतर चालू हुए? 20-4 दिन पहले चालू हुए थे। 20-4 दिन पहले? अच्छा, 20-4 दिन पहले छाटे। अच्छा, तो कबूतर माशाल्लाह रंगत पर, और जैसे आपकी मेहनत है, आपके मेहनत के हिसाब से उड़ रहा है कबूतर या कुछ आपको लगता है कि कभी भी? सब भाई आके खुश हो रहे हैं, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है माशाल्लाह। तो ऐज़ भाई के बारे में और उस्ताद के बारे में क्या कहना है आपका, तालीम के बारे में? माशाल्लाह जैसा कबूतर उड़ रहा है आपका। ऐज़ भाई तो हमारे भाई हैं और इंशाल्लाह उस्ताद ही इन्हीं के साथ बनवाएंगे उस्ताद के बाद इंशाल्लाह। जी चीम भाई, क्या कहना है आपको अपने ये शौक के बारे में जो कबूतर उड़ रहे हैं? हमारी तो तबीयत खुश है। अच्छा माशाल्लाह, सर्दियों में भी कबूतर ने मज़ा मान रखा था और गर्मियों में मान लगातार कबूतर जो है गर्मियों में उड़ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। जी बेशक बेशक जी ऐज़ भाई जी, क्या आपकी पूरी मेहनत है माशाल्लाह इसमें? सबकी, पूरे ग्रुप की मेहनत होती है ज़हूर भाई इसमें। अच्छा, एक अकेले के बस का कुछ नहीं होता। ये देखिए, ये इनका बड़ा फन, और ये है देखिए हुनरमा आदमी की मतलब टीम वर्क, गर्मी में एक अकेला कुछ नहीं कर सकता। ये साथ में साविर भाई माशाल्लाह पूरी जी जान के साथ लगे रहते हैं। ये भाई आजुद माजुद की जोड़ी, आज कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं जी। साहिर भाई, उनके बगैर काम नहीं, मेहनत कुछ रंग ला रही है? बिल्कुल ला रही है भाई माशाल्लाह, तालीम का नाम हो रही है भाई माशाल्लाह।
कौन सी तालीम? उस्ताद इरफान मीर तालीम। माशाल्लाह उस्ताद जी की तबीयत कैसी है? कुछ तो माशाल्लाह अच्छा बेहतर है। तो ऐज़ भाई कुछ आगे इसमें और कुछ मतलब तरक्की कबूतर कुछ मिलाएंगे या कुछ और? नहीं अब नहीं। अच्छा जाड़े में इंशाल्लाह जाड़े में इनसे दुगने तो अभी कब तक चालू रखेंगे कबूतर? संडे में कबूतर रुकेंगे। ये संडे की तारीख मेरे ख्याल से 30 तारीख 30 मई को कबूतर रुकेंगे माशाल्लाह। चलिए मौका मिला तो इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे आपको दिखाएंगे संडे का भी शौक। और आपको वीडियो कैसी लगी और शौक कैसा लगा दानिश भाई का कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ में फैसल भाई हैं, फैसल भाई के कुछ कमेंट्स आज के शौक के बारे में। भाई क्या बताऊँ, लाजवाब शौक है भाई यार। साबिर भाई और इनके साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं टीम वर्क है और बहुत अच्छा कर रहे हैं भाई। आपस में तालमेल इतना बढ़िया है कबूतर भी, और दिल खुश हो रहा है भाई। जैसे चीम भाई ने बताया, दानिश भाई ने बताया, इनका दिल खुश हो रहा है। और जो लोग देखने आ रहे हैं, देखो कबूतरबाज जो होता है वो आए और उसे शौक अच्छा देखने को मिले, उसका दिल खुश होता है, और वो हो रहा है। सैलानी आ रहे हैं और खूब इंजॉय लेके जा रहे हैं, ऐसे गम के माहौल में भी खुशी से जा रहे हैं देख के भाई कबूतर बढ़िया उड़ रहा है। और आज भी माशाल्लाह आप लोग वीडियो देखेंगे आज की, माशाल्लाह कबूतर बहुत ही अच्छा उड़ा है और ऐसी गर्मी में बहुत ही अच्छी बात है। ये हमारे नबील खलीफा हैं उस्ताद मस्जिद सलीम तालीम से। जी नबील भाई जी। कैसा लगा आपको शौक आज का? लाजवाब शौक, बहुत ही अच्छा शौक और बहुत खातिरदारी, बड़ी ज़बरदस्त। और कबूतरों ने तो मतलब हक अदा कर दिया, इतनी गर्मी में ऐसा उड़ा है, गायब हो गया कबूतर, गायब बिल्कुल दिखना बंद। मतलब 200 आप अंदाज़ा लगाइए 265 कबूतर मई जून में 40-41 डिग्री टेम्परेचर में कबूतर उड़ रहा है और वो आंखों से ओझल हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है माशाल्लाह। उड़ाने वालों के लिए भी, देखने वालों के भी लिए भी, और सारे शौकीन हजरात के लिए बड़ा मौज में था। ये नहीं वो हो रहा है, थक रहा है या कुछ, बड़े मतलब उस उड़ रहा था मौज में, जिसको कहते हैं ना जो कबूतर जो बिल्कुल आ रहा है, गूंज रहा है, सारे काम कर रहा है। 265 कबूतरों में से जब कबूतर आके बैठा तो एक कबूतर की भी चोंच नहीं खुली हुई थी। ये आयाज भाई से पूछेंगे, आयाज भाई क्या खेल लगा रहे हो? ये जो हम दे रहे हैं ये अपने उस्ताद मरहूम रेली की पुटलिया बांध के दे रहे हैं, जो भी ठंडे का सामान दे रहे हैं उस्ताद का दे रहे हैं। तो ये ठंडा आप पानी में डाल के करते हैं या कुछ दाना कुछ और अलग से कुछ ट्रीटमेंट? पुटलिया बनाते हैं सामान की, हाँ वो पान मटके में पानी में डाले, पानी में डाल, माशाल्लाह। और अगर कोई पुटलिया किसी को जाननी हो तो आपका शागिरद होना पहले पड़ेगा। शागिरद के बाद भी बहुत सारी फॉर्मेलिटी हैं, जब तक उस्ताद खलीफाओं का दिल मुतमईन नहीं होगा शागिरद पे, ऐसे नहीं बताया। क्योंकि आजकल क्या है, शागिरद पूछते हैं, आजकल शागिरद क्या है पूछते हैं और फिर आगे को बढ़ जाते हैं, फिर कहते हैं आप दूसरे से लो। ये पैशन हो गया है आजकल के शागिरदों का, तो इसलिए उस्ताद लोगों के भी आजकल दिल मुतमईन नहीं है शागिरदों को जल्दी से बताने के लिए। और मेरा सभी से ये रहता है कि शागिरद एक जगह पाएबंद रहे और उस्ताद जिसे कहा है उसको माने और रखे आखिर तक, ये नहीं कि आज ये उस्ताद कल वो उस्ताद, उसमें मज़ा नहीं है। और इसीलिए उस्तादों की कदर भी कम होती जा रही है। माशाल्लाह ये हमारे थे दानिश भाई, चीम भाई और यास भाई और उनकी टीम पूरी। 265 कबूतर हैं ये माशाल्लाह, जो गर्मी में मई जून में दौड़ रहे हैं दानिश भाई के। इनका शौक आपको हमने सर्दियों में तो दिखाया ही था, इसमें से 100 नए कबूतर हैं और माशाल्लाह उतना ही लाजवाब जितना सर्दी में दौड़ा था ना, उतना ही लाजवाब ये गर्मी में दौड़ रहा है। और माशाल्लाह झंडे का अड़क है इसने, और कबूतर देखिए आप, कबूतर का रंग रूप कद काठी माशाल्लाह, सारे हैदराबादी। और जो भी कबूतर अगर हैदराबादी नहीं है ना दूसरे मेल का, तो वो भी अपने आप में एक तस्वीर है नायाब। ये देखिए ये चप है गोलों से भरा हुआ, और एक से एक हसीन कबूतर है माशाल्लाह। ये देखिए मोगिया मैदुम, एक तरह से तेरे बना हुआ, एक तरह से पुट्ठे बना हुआ है। एक मोगिया ये रहा, ये गुलाबी देखिए ज़बरदस्त कबूतर है। और हैदराबाद के सारे अपने आप में एक से एक नगीना है, हर कबूतर एक दूसरे से कंपटीशन में कह रहा है कि मैं तेरे से ज़्यादा अच्छा, आपको नज़र आ रहा होगा माशाल्लाह। और बहुत ही शानदार दौड़ रहे हैं ये, अभी जब खुलेंगे तो आपको दिखाएंगे, तबीयत खुश हो जाएगी आपकी देख के। 265 कबूतर मई जून की गर्मी में,
तकरीबन 40-41 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है अभी, उसमें कबूतर का दौड़ना अपने आप में कमाल है, कबूतरों का भी और उड़ाने वाले खिलाड़ी का भी। आप कबूतरों का शौक करिए, ये शौक है दानिश भाई का, जो कि मशहूर हैं दिल्ली में दिल्ली कबूतरबाजी किंग के नाम से, हाजी दानिश इलाही, और उनके छोटे भाई चीम भाई का शौक आपके सामने, जो कि उस्ताद इरफान मीर तालीम के खलीफा बख्तियार खलीफा खलीफा आयाज भाई उड़ाते हैं कबूतर। ये नर हैं, अभी आपको मादिन दिखाते हैं। तो क्या हुआ? ये मादिन है, नर और मादिन दोनों मिला के 265 कबूतर हैं। मई जून की गर्मी में इतना बड़ा पल्ला दौड़ाना अपने आप में एक कमाल है। जूम करके आपको दिखा रहा हूँ मैं, कैसा शौक लगा आपको दानिश भाई का, हमें जरूर बताइएगा कमेंट करके। और ये सिर्फ शौक के लिए, ये लालवन देखिए माशाल्लाह आप, ये सिर्फ शौक के लिए वीडियो आपको बनाता हूँ मैं। ज़्यादातर मैं फोर सेल वाली वीडियो नहीं बनाता, वो मैं ज़्यादातर फेसबुक पर डालता हूँ। ये मक्सी देखिए आप, वीडियो में तो शायद आपको इतना क्लैरिटी से नज़र ना आए, लेकिन बहुत ही खूबसूरत कबूतर है ये लालवन मक्सी कबूतर है हैदराबादी, तो मैं तो इसको एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा, लेकिन बहुत ही खूबसूरत कबूतर है। जो अभी हम आपकी दानिश भाई से मुलाकात कराएंगे, दानिश भाई बता रहे थे इसके अंदर बिल्कुल 100 कबूतर, एकदम कोरे कबूतर दौड़ रहे हैं, जो अभी किससे लड़े भी नहीं है। अभी कुछ ही देर में खुलने वाले हैं, उसका फिर आपको शो दिखाते हैं। अब हम पहले भी दिखा चुके हैं, फिर दिखाते हैं ये दो जाल, तो जो अभी गर्मी में दौड़ रहे हैं 265 कबूतर। तीसरा एक ये जाल है, एक जाल ये है चौथा, एक ये पांचवा जाल है, और छठा सातवां और एक आठवां, आठ जाल ये हैं। और माशाल्लाह सेटअप देखिए, पर उतनी ही बड़ी छत है। ये इतना माशाल्लाह झंडे गाड़ लगे कबूतर ने कि रोज़ाना पब्लिक देखने आ रही है शो दिल्ली में चारों तरफ से। हालांकि इतनी शदीद और शिद्दत की गर्मी पड़ रही है, लेकिन लोग उसके बावजूद दानिश भाई का शो देखने आ रहे हैं। नवेद भाई आए हैं ओखला से, हमारे सऊद भाई आए हैं इंदर लोग से, अब्बा शारिक हैं जाफराबाद से, अदर भाई हैं ओखला से, पारस भाई लक्ष्मी नगर से, और दीगर भाई आए हैं, दूसरे बिट्टू भाई हैं, ये नब्बी भाई। ये कबूतर खुल गए हैं तकरीबन 1:05 पे। ये भाई चल दिया, मैसेज आके बंद हो गया।
एक बार फिर कबूतर डांटा छतों से सिमटिया कबूतर, बिल्कुल छतों से सिमटा हुआ जा रहा कबूतर। जूम करने से वीडियो खराब हो जाती है, इसलिए मैं ज्यादा जूम नहीं करूंगा। अब बहुत ही शानदार जा रहे हैं कबूतर, और देख देख के बहुत ही मजे में जा रहा है कबूतर, जा रहा है अभी भी जा रहा है। बहुत बढ़िया, यह पलटा कबूतर। ये आपको याद दिला दूं मैं, 26 मई 2021, वक्त है दोपहर का 1 बज रहे हैं और टेम्परेचर तकरीबन 40-41 डिग्री चल रहा है, उसमें इतना मज़े में कबूतर उड़ रहा है। ये तारीफ है कबूतरों की भी और उड़ाने वाले की भी। उड़ाने वाले हैं खलीफा अयाज़ अख्तियार खलीफा उस्ताद इरफान मीर तालीम से, और हाजी दानिश इलाही की छत कूचा चलान दरियागंज जामा मस्जिद पुरानी दिल्ली। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, गायब हो गया कबूतर, जाहिर आए भी धूप की वजह से अंदाज़ा नहीं हो पा रहा कैमरे के अंदर। बहुत ही शानदार कबूतर गया था तो वापस आ रहा है। बिल्कुल सामने कबूतर, थोड़ा सा जगह दे। 265 कबूतर है, कितने से लग रहे हैं
लेकिन छत बड़ी है ना। हाँ बड़ी छत है ना। ये बिल्कुल बात ना आता। हमने दिया भाई लोग जो बात है तो दे दिया ना। तो ये भी तो मेरा ही है। इनकी छत है अपनी। अकेला उठ के जाता था 12 महीने। अच्छा जी भाई छत पाए थे तुमने पानी कौन सा बताया था ये बताओ बस। अकेला उठ के जा रहा था। अकेला है अकेला आया था। उठ ऊपर जाओ ऊपर। साहब भाई रुक जाना भी जरा। अब टाइम मत देना है। ये दानिश भाई साथ में फैसल भाई हैं। ये चीम भाई ने दाने की मटकी ली हाथ में। बीच में कैब लगा के साहिर भाई हैं और ये हाथ बांध के खड़े हैं शराफत से। ये खलीफा याद है और ये कबूतर है माशाल्लाह। जो जमुना पार की जो तारे हैं वो आज इस कबूतर ने आगाधा कर दिया। वो पारे जो जमुना पार की तारे हैं इस कबूतर ने वो काम। ये डिंडिंग भाई हैं। ये शो देखने आए हुए थे और इनकी आपने वीडियो देखी होंगी। कमेंट्री के लिए बड़े मशहूर हैं। क्या बता रहे डिंडिंग भाई? भाई साहब आज कबूतर ने आगाधा कर दिया है। हाँ ये ऐसा कबूतर गया है ये लाल किले के पास से। कहाँ तक गया वो कबूतर? कम से कम जमुना पार की लोहे की तारे डली हुई है ना पुल वाली जी लंबी तारे हुई जा रही है वो पार था। दिखना बंद हो गया था यहाँ से कबूतर। माशाल्लाह बहुत शानदार कबूतर। बहुत बढ़िया कबूतर आया हाजी। ये आयास भाई दाना डालने अपने हाथ से बहुत बढ़िया लाजो। आप इस गर्मी में इस टुकड़े के अंदर नंबर वन कबूतर आए बहुत बढ़िया होगा। ये कबूतर है माशाल्लाह आपके सामने बहुत शानदार। हाँ हाँ गीत बना रहा हूँ मैं। तो साथ में ऐसे क्या हो गया क्रास से तो 27 मिला नहीं बंद है मार्केट सारी। 26 मई भाई आज 26 मई दानिश भाई की छत पर आए हुए सब इलाके के कबूतर बाद दिल्ली शहर के। और कबूतर देखा भाई माशाल्लाह बहुत लाजवाब उड़ रहा है। वीडियो भी आप तक पहुंच जाएंगी। वीडियो भी बनाई है लोगों ने। और इसी खुशी में भाई हमारे नवेद भाई दानिश भाई का और भाई आस्कार चीम मामा का स्वागत कर रहे हैं भाई मिठाई के डब्बे से। भाई तालियां हो जाए भाई बहुत ही लाजवाब शो में करने का भाई।
आप आए होगा देखने, शौक देखने, क्या देखा आपने? देखने का तो ये है कि अगर इसको हम ये कहें कि ये शौक हो रहा है तो ये तोहीन होगी, एक तरीके से बेइज्जती होगी। ये शौक नहीं है, ये जुनून की भी हदों से पार है। जिसको और ये एक तरीके का, एक दानिश भाई ने एक तरीके का और चीन भाई ने एक मैजिक कराया कि जो लोग हैदराबादी इलाके एक एक साल तक ताबे देते हैं वो एक महीने में खोल के भी और उनको दौड़ा रहा है। और आज हम लोगों ने सब अपनी आंखों से देखा और इस गम वाले माहौल के अंदर लोगों के चेहरे पे एक मेला सा, एक फेस्टिवल सा बना दिया दानिश भाई ने। जो लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही है और लोग बाग आ रहे हैं और शौक देख रहे हैं, इस चीज़ के लिए तहे दिल से चीन भाई का, दानिश भाई का, अयाज भाई का मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ भाई। और इनके लिए थोड़ी देर ताली भाई, मिठाई के डब्बे से स्वागत कर रहे हैं भाई। आ जाओ साहिर भाई, भाई तालियां हो जाए। भाई क्या अजहर भाई क्या कहना चाहेंगे? बहुत शानदार मुरसलीम भाई, आओ यार इधर आओ ना, दी एंड है, लव्ज़ी नहीं, अब आओ ना, दी एंड। बहुत ही उम्दा उड़ रहा भाई कबूतर। आजा सऊद, सऊद साविर भाई का भाई, ये सऊद भाई हमारे सऊद खलीफा उस्ताद कपिल तालीम से भाई, इंदर लोग से भाई, दानिश भाई का स्वागत करें एक मिठाई के डब्बे से। क्या कहना चाहेंगे, क्या कैसा लगा आपको शो? भाई शौक तो माशाल्लाह मेरे भाई का वैसे ही दुनिया जानती है कैसा, और माशाल्लाह ऐसी गर्मी में इस टाइम इतना बड़ा लंगर हुआ ना, और आज भी माशाल्लाह बहुत लंबा पल्ला मार के आया, जवाब नहीं भाई, लोग सिर्फ बातें करते हैं, यहाँ उड़ा के दिखाता है मेरे भाई, बहुत ही बढ़िया भाई लाजवाब। और ये हमारे पारस भाई लक्ष्मी नगर से तिलियर वाले भाई, इनके कबूतरों को तिलियर कहते हैं वहाँ पे। कोई भी जोड़ नहीं है, कोई वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए, मजा आ गया। लाजवाब ये भाई कीमते रहे, दानिश भाई को मारे, बहुत ही बढ़िया भाई, लाजवाब कबूतर उड़ रहा है भाई। और मई का महीना है ये, आज 26 मई 2021 है और वेडनेसडे का दिन है, पर तकरीबन 1 बजे दोपहर में कबूतर खुला है, जो कि 40-41 डिग्री टेम्परेचर था, उस शिद्दत की गर्मी में इतना शानदार कबूतर उड़ा है। और ये आप वीडियो देख के खुद अंदाजा लगा लेंगे, मेहनत को सलाम है भाई, साबिर भाई है और इनके साथ जो इनके साथ लड़के जुड़े हुए हैं भाई, सबकी मेहनत को सलाम है। सब अपने अपने तरीके से मेहनत करते हैं, किसी का किसी के तरीके से मेहनत है, किसी की, और सब भाई टीम वर्क है, बहुत बढ़िया मेहनत कर रहे हैं और कबूतर उड़ रहा है भाई, लोगों को दिख भी रहा है। बाकी भाई अब्बा भाई उड़ लिया है, अब्बा शाहिद गायब है जाफराबाद से, माशाल्लाह जाफराबाद की मशहूर हस्ती है जी। अब्बा कुछ कहना चाहेंगे आज का शौक देख के? दानिश भाई का बहुत बढ़िया शौक हुआ, अच्छा शौक हुआ भाई, दानिश भाई का बहुत मेहनत है, बढ़िया है। और ये नासिर भाई कुछ कहना चाहेंगे आप? माशाल्लाह जवाब बहुत ही शानदार, माशाल्लाह जवाब नहीं हार्ट देगी आज आप बकरों की। हाइट देखिए आप बकरों की, माशाल्लाह जवाब नहीं, बहुत शानदार अलबेला साज है। ये 2-2.5 साल उम्र के बकरे हैं, सोजत नस्ल करा दी सुजाती। नबी भाई आओ बराबर में आ जाओ, इधर मुंडी करवाए भाई इसकी। माशाल्लाह माशाल्लाह
ये सेटअप है इनका और ये सामने है जामा मस्जिद। आपको कैसा लगा शो दानिश भाई का कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपने हमारा चैनल कबूतरवादी जरूर सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़ रही है हमारे चैनल कबूतरवादी जुनून पर। शुक्रिया।